प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में मौजूद कृषि अर्थशास्त्रियों को संबोधित भी किया। उन्होंने बताया कि 65 वर्षों बाद भारत में इस तरह का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसे देखकर वह खुश हैं। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को स्वागत किया। उन्होंने बताया कि कृषि को लेकर हमारी परंपराएं हमारा देश की तरह ही प्राचीन है। पीएम मोदी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि 65 साल बाद देश में इस तरह का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इसे देखकर मैं बहुत खुश हूं। तो वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में भारत का विकास दर दुनिया में शीर्ष पर है। प्राचीन एग्रीकल्चर और फूड को लेकर हमारी मान्यताएं हैं, हमारे अनुभव हैं और भारतीय कृषि परंपरा में साइंस को लॉजिक तो प्राथमिकता दी गई है। आज फूड और न्यूट्रिशन को लेकर इतनी चिंता दुनिया में हो रही है, लेकिन हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में कहा गया है, अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम तस्मात् सर्वौषधम् उच्यते, अर्थात सभी पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है, इसलिए अन्न को सभी औषधियों का स्वरूप उनका मूल कहा गया है। हमारे अन्न को औषधीय प्रभावों के साथ इस्तेमाल करने का पूरा आयुर्वेद विज्ञान है। ये पारंपरिक नॉलेज सिस्टम भारत के समाज जीवन का हिस्सा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की कृषि विकास दर लगातार दुनिया में सबसे ज्यादा बनी हुई है। हमने जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किए हैं, उत्पादन बढ़े, लेकिन साथ में भारत की चिंता भी रही है वो उत्पादन सुरक्षित उत्पादन हो, मानव शरीर के लिए भी और धरती के स्वास्थ्य के लिए भी, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी। हमारे प्रधानमंत्री जी के भी चिंताएं हैं केमिकल फर्टिलाइजर के अधिक उपयोग के कारण जो उत्पादित अन्न हो, फल और सब्जियां हो, उसके विपरीत प्रभाव मानव शरीर पर पड़ रहे हैं और लगातार सॉयल हेल्थ खराब हो रही है। इसलिए भारत अब प्राकृतिक खेती पर बल दे रहा है। हमारे सामने अनेकों चिंताएं हैं, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। पूरी तरह से भूख और कुपोषण समाप्त करना है, क्लाइमेट चेंज के खतरों से निपटना है, बढ़ते हुए तापमान के कारण घटता हुआ उत्पादन गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, आने वाले पीढ़ियों की भविष्य की भी हमको चिंता करना है। और आप सब जिस क्षेत्र के अधिकारी विद्वान हैं, इस मंच पर विचार विमर्श के माध्यम से जो आज हमारे सामने समस्याएं हैं उनके समाधान में जुटेंगे और मुझे पूरा विश्वास है